भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने विधायक प्रताप ग्रेवाल के आरोपों को नकारा। राजगढ़ में प्रेस वार्ता का किया आयोजन। आज राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप कांग्रेस के परिषद पर लगाया। आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षद रमेश सिंह राजपूत ने कहा, विगत 2018 से लगातार नगर परिषद कांग्रेस की पार्टी रही। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदापुर विधानसभा के विधायक भी कांग्रेस के प्रताप ग्रेवाल हैं। सदापुर अंतर्गत ही नगर परिषद विगत 2018 से अब तक जितने भी राजगढ़ नगर में कार्य हुए, वह कार्य कांग्रेस के विधायक व नगर परिषद भंवर सिंह बारोड़ के कार्यकाल में हुए। वर्तमान 2023 ने भी नगर परिषद में कांग्रेस अध्यक्ष सवेरा महेश जायसवाल हैं, उपाध्यक्ष दीपक जैन कांग्रेस पार्टी के ही हैं। उन्हीं के कार्यकाल में समस्त रोड व नाले का कार्य हुआ। इसके बावजूद कांग्रेस विधायक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षद धरने पर बैठते हैं और अपनी खामियां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं को लेकर धरने पर बैठकर जबरन भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी कर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपके परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और माननीय विधायक महोदय नाली को लेकर धरने पर बैठे, आपका इसका क्या कहना चाहिए? नाली जो नियमों के हिसाब से मन रही बनी रही है ऑलरेडी, सीओ मैम ने बोल भी रखा है कि 5-5 फीट के आपके बना लीजिए चढ़ने के लिए। उसके बाद जैसे घर में आवागमन के लिए 5 फीट का, 4 फीट का आपका रास्ता बना लीजिए, बाकी नाले खुली छोड़ दे, उसको फर्श रख ले ताकि सफाई करने में तकलीफ नहीं आए। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं पूरी को पूरी ढकें, इसको लेकर सीओ मैम ने मना बोला और धरने पे बैठे। नियमानुसार जब ठेकेदार को ठेका दिया था उसमें हर 15 फीट पर चैम्बर लगाने का है, एस्टीमेट में एस्टीमेट हमें दिखाई नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी किसी पार्षद को स्टेटमेंट नहीं दिखाया गया। ये पूर्व में ही 2018 में जब नगर परिषद कांग्रेस की बनी थी उसी समय से सारे कार्य कर रहे हैं ये लोग, ना तो हमें स्टेटमेंट दिखाया जाता, क्योंकि नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये आपसी में एस्टीमेट वगैरह देख लेते, आपसी में सब स्वीकृति ले लेते, हमने किसी भी काम को स्वीकृति नहीं दी। अभी उनके आरोप है कि बिना एस्टीमेट के जो एस्टीमेट है उसके आधार पर काम नहीं हो रहा और मनमानी से जो है तोड़फोड़ करने के लिए आदेश कर रहे हैं, इसके लिए हमको धरने में बैठना पड़ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष उन्हीं का है, उपाध्यक्ष उन्हीं का, वो जाने, इन चीज़ों का हमें संज्ञान नहीं है। लेकिन हमारा जैसे इनने इस बीच बीजेपी हाई हाई, भारतीय जनता पार्टी हाई हाई, शिवराज हाई हाई, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में कोई काम नहीं हो रहा है। विगत 2018 से लगाकर अभी तक नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं। पूर्व में नगर परिषद अध्यक्ष भंवर सिंह जी बारोड़ थे, जिनके कार्यकाल में रोड वगैरह स्वीकृत हुए थे और जो कर रहे थे कार्य, लेकिन उसके कोई एस्टीमेट हमें पता नहीं है कि किसको ठेका दिया क्या है। अभी तक हम ठेकेदार को भी नहीं पहचानते, ना अभी हमने कोई नए कार्यकाल में हमने कोई स्वीकृति दी है इनको काम करने की। सारे काम ये अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, अपने ही परिषद के होकर अपने परिषद के खिलाफ अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए बैठे। आपका नाम? रमेश लक्ष्मण सिंह राजपूत, वार्ड क्रमांक 7, पार्षद।